न्यू ग्लो पर आप देख रहे हैं टेक रेडी चैनल और आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाइलाइटर के बारे में। तो दोनों में क्या डिफरेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो चैनल पे बने रहें। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट है और दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब साइज वगैरह सेम है लेकिन काफ़ी डिफरेंस है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। पहला जो डिफरेंस आता है वो है फ्रंट व्यू से। तो आपको बताता हूँ, फ्रंट व्यू में आप DRL देख सकते हो। जो ग्रैंड विटारा का DRL है वो 3-डॉट DRL है दोनों साइड लेफ्ट और राइट में, और जो हाई राइडर का DRL है वो सिंगल आइस के टाइप में, जैसे आइस के प्लग होते हैं उस टाइप का DRL है। तो दोनों में सबसे पहले DRL का फ़र्क है, उसके बाद आप बीच में जाते हैं। तो बीच में जो सुजुकी का लोगो है और टोयोटा का लोगो है उसमें पूरे ग्रिल ही चेंज है। तो जो सुजुकी ग्रिल है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, और जो सुजुकी ग्रिल है वो S-Cross जो ग्लोबली लॉन्च हो रखी है उसकी सिमिलरिटी है, और काफ़ी अच्छी ग्रिल लग रही है देखने में भी। और जो फोग लैंप तो इसमें है नहीं, फोग लैंप का ऑप्शंस भी नहीं है। तो प्रोजेक्टर हेडलाइट है, प्रोजेक्टर हेडलाइट में आपको जो दोनों का डिफरेंट मिलता है, दोनों का डिफरेंट में क्या मिलता है, आपको प्रोजेक्टर की पोजीशन ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों की सेम है, लेकिन दोनों में ही हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर में मिल जाता है, लेकिन दोनों का डिजाइन स्ट्रक्चर दोनों का ही चेंज है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ग्रैंड विटारा के स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा सा साइज का, और हाई राइडर का थोड़ा सा अलग है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल में दोनों गाड़ी बिल्कुल ही अलग टाइप की दिखती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा विंड एरिया में मिल जाता है, और डोर हैंडल कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं। नीचे आते हैं ब्रो, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको XUV की फील पूरी आएगी। आप सिटी में चलाओ या हाईवे पे चलाओ या गाँव में चलाओ या ऑफ राइडिंग करो। और अलॉय व्हील की बात करें तो अलॉय व्हील दोनों की गाड़ियों के चेंज है, दोनों अपनी अपनी अलॉय व्हील डिजाइन यूज़ करती हैं। और साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर में हमको नीचे की साइड में 360 कैमरा के लिए एक कैमरा भी मिल जाता है, और टोयोटा में हाई राइडर की बेजिंग में मिल जाती है। और बैक साइड में हम चलेंगे तो बैक साइड में हमें डिफ्यूकर मिल जाता है और वाइपर वगैरह मिल जाता है। और दोनों के जो बैकलाइट है वो दोनों ही डिफरेंट है। तो बैकलाइट आप टोयोटा हाई राइडर की देखोगे तो छोटी सी लगती है, और वैसे ही हम बात करते हैं इसकी ग्रैंड विटारा की, तो काफ़ी अच्छी लुक के साथ थ्री डिजाइन में दी गई है, और हाई राइडर की एक सिमिलर टाइप की नॉर्मल टाइप की लगती है, और काफ़ी LED यूज़ करी हुई है। LED के देखोगे तो आप क्या बढ़िया लुक निकल के आ रही है। छत की बात करेंगे तो छत में हमें एक सार्सपे कंटेनर मिल जाता है, और पैनारोमिक में एक सनरूफ मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। इंटीरियर की हम बात करेंगे तो इंटीरियर हमें हाई राइडर में जो मिलता है ब्राउन और ब्लैक मिलता है, और ग्रैंड विटारा में जो मिलता है गोल्डन एंड ब्लैक मिलता है। उसी के बाद हम इंटीरियर में टच स्क्रीन की बात करेंगे तो हमें 9 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, और 360 कैमरा मिल जाता है, और 40+ हमें फीचर मिल जाते हैं। और जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में हमें डिजिटल डिस्प्ले वगैरह मिल जाती है, और काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। इंजन की बात करेंगे तो इंजन हमें दोनों में सेम मिल जाते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। तो विटारा में ISG के साथ 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जिसमें 103 BHP और 137 NM टॉर्क मिलता है। और हाइब्रिड में जाते हैं, अगर हम हाइब्रिड में जाते हैं तो 1.5 लीटर का इंजन जो मिलता है 114 BHP और 122 NM का टॉर्क बनता है। कुल मिलाकर दोनों की थोड़ा बहुत ही अंतर है दोनों में। और माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज भी ऑलमोस्ट 20 से 21 की एवरेज जो निकाल के देगा वो पेट्रोल इंजन देगा, और जो आपका हाइड्रोलिक इंजन होगा हाइब्रिड जिसको कहते हैं, हाइब्रिड में हमें जो इंजन मिलेगा वो 27 से 30 किलोमीटर का एवरेज निकाल के देगा। और जो अंतर आएगा जो प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो प्राइस में जो हमें अंतर मिलेगा वो 12 से 13 लाख रुपए के आसपास का होना चाहिए। इसमें दोनों गाड़ियों में 50 से 60 हज़ार रुपये का डिफरेंस होगा, और दूसरी वेक्टर लोगे तो 50 हज़ार सस्ती होगी अर्बन।